कुलभूषण के खिलाफ कितने खेल खेलेगा पाकिस्तान? कुलभूषण को काउंसलर मदद से किया इनकार। जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसलर असेस पे कोई डिसीजन नहीं है, ये कमेंट है उनका या राय है। आर्टिकल 41 के मुताबिक जो काउंसलर एक्सेस देना जरूरी था और इसीलिए आईसीजी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। मतलब क्या है? कुलभूषण के साथ अनहोनी का खतरा। हो सकता है पहले उसको फांसी दे दी हो या टॉर्चर के दौरान उसकी ऐसी हालत हुई हो कि वो एक नॉर्मल फिजिकल स्टेट में नहीं है और वो उसको दिखाना नहीं चाहते। कुलभूषण पर क्या छुपा रहा है पाकिस्तान? इट्स नॉट एन अपील कोर्ट कि वो इस कन्विक्शन को सेट असाइड कर सकते हैं या वो इसमें कुछ तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने तो ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे कानून और आईन के मुताबिक ड्यू प्रोसेस है कि नहीं। अगर कुलभूषण जाधव को एक खरोंच भी पाकिस्तान ने लगाई तो फिर पाकिस्तान को इसका जवाब अवश्य देना पड़ेगा, वो ये सनद रहे और उन्हें याद रहे। कुलभूषण से मिलने पर पाबंदी क्यों? तीन अलग अलग भाषाएं, तीन अलग अलग आवाजें, तीन अलग अलग, जिससे इंडिकेट है साफ तौर पे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका पड़ा है, पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन है। कुलभूषण से मुलाकात पर बहाने क्यों? पाकिस्तान का रवैया देखते हुए, उनका इतिहास देखते हुए यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में काफी उत्फुल्ल हो रहा है कि क्या करना चाहिए। इंसानियत के साथ आईसीजे का इंसाफ भी भूला पाकिस्तान। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. Kulbhushan par kab tak jhoot bolega Pakistan? जो प्रोसेस है वो हमारे कानून और आईन के मुताबिक ड्यू प्रोसेस है कि नहीं है, और वो जैसे आप समझ सकते हैं वो बिल्कुल है। आईसीजे के फैसले पर पाकिस्तान की पैंतरेबाजी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान फिर सच्चाई के ट्रैक से उतर गया। हालात ये हैं कि कुलभूषण केस में अब पाकिस्तान को लेकर बड़ी आशंका जताई जा रही है। आशंका कुलभूषण जाधव के साथ किसी अनहोनी की है। पाकिस्तान की नीयत हमेशा शक के दायरे में रही है और कुलभूषण के केस में कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान जिससे पाक दिखे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि इस केस में पाकिस्तान के कानून के हिसाब से दिया गया है फैसला और यह फैसला ठीक है और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का कोई मामला नहीं बनता, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ अपने आदेश में कहा था कि वेना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण जाधव इसके हकदार हैं। क्या पाकिस्तान इंसाफ से डर गया है? कुलभूषण पर क्यों हठधर्मी पर अड़ा पाकिस्तान? कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार के बाद पाकिस्तान की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को काउंसलर एक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया कि आईसीजे ने सिर्फ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है, उन्हें काउंसलर एक्सेस के लिए आदेश नहीं दिया है। जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसलर असेस पे कोई डिसीजन नहीं है, ये कमेंट है उनका या राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन, हमारी क्योंकि
जो ICJ की सबसे बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रटेशन पे दो ममालिक के दरमियान अख्तिलाफ हो तो उसकी वो राय दे सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में कैसे पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. शायद सरताज जी को बहुत मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि आपके लीगल टीम ने होमवर्क नहीं किया, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, आपने तो ऑर्डर पढ़िए है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 41 के मुताबिक जो काउंसलर एक्सेस देना जरूरी था और इसीलिए ICJ को इंटरवीन इंटरफेयर करना पड़ेगा, मतलब क्या है? ऐसे में पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जाए? जाहिर है पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा। अगर पाकिस्तान कहता है कि वो इस जजमेंट को नहीं मानेंगे, उनको पता है रूल के हिसाब से कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है इस जजमेंट को एनफोर्स करने की, वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू माध्यम से करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में बात गई तो पाकिस्तान चाइना वीटो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को राहत दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान का रुख सरबजीत को लेकर अलग था। उनसे मुलाकात की इजाजत उनके वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी थी। परिवार भी पाकिस्तान जाकर सरबजीत से मिला था। आखिर कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान पर्दा क्यों डालना चाहता है? सारे के सारे वहां के पाकिस्तान ने प्रेस ने एडिटोरियली पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अभी पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ ICJ। और ICJ में दूसरा उसी सरकार ने कल दो अलग स्टेटमेंट दी थी, एक की जब अगस्त में हियरिंग होगी तो बड़ा ठोस सबूत देंगे और उनका फोकस डिफरेंट होगा। कुलभूषण के केस में पहले राउंड में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान में नेता, मिलिट्री अफसर और मीडिया एक दूसरे को कोस रहे हैं। पाकिस्तान कई अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहा है। एक विचार है कि हमको ICJ के पास जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी हम चले गए उनकी डिसीजन लीगली बाइंडिंग है और अगर पाकिस्तान इस डिसीजन को नहीं मानता तो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक, रीजनल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सेटबैक होगा। एक किस्म से पाकिस्तान हरा कर गिरेगा। उनको भी पता था कि काउंसिल एक्सेस ना देना ये कन्वेंशन के खिलाफ है और दुनिया के सामने भारत सबको बताएगा कि काउंसिल एक्सेस नहीं मिली तो पाकिस्तान के ऊपर कंडेमनेशन आएगी। इन सब बातों के बावजूद भी अगर उन्होंने काउंसिल एक्सेस या उसकी फैमिली वालों को मिलने की इजाजत नहीं दी है। सरताज अजीज ने कहा कि ICJ पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों में दखल नहीं दे सकता और कुलभूषण को कानून के मुताबिक सजा होगी, यानी कुलभूषण की फांसी और ICJ के आदेश पर पाकिस्तान अब दोहरा चरित्र दिखा रहा है। हमारा जो ड्यू प्रोसेस है जिसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं वो इसी को देखेंगे। वो केस को इज नॉट एन अपील कोर्ट कि वो इस कन्विक्शन को सेट असाइड कर सकते हैं या वो इसमें कुछ तब्दील कर सकते हैं। उन्हें तो ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे कानून और आईन के मुताबिक ड्यू प्रोसेस है कि नहीं है, और वो जैसे आप समझ सकते हैं वो बिल्कुल है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को मानना पड़ेगा, नहीं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर कुलभूषण जाधव को एक खरोंच भी पाकिस्तान ने लगाई तो फिर पाकिस्तान को इसका जवाब अवश्य देना पड़ेगा, वो ये सनद रहे और उन्हें याद रहे। दरअसल यही खतरा है कि कुलभूषण खैरियत से है या नहीं, पाकिस्तान की हठधर्मी से अब अनहोनी की आशंका सता रही है। दो शक उठते हैं, एक तो शायद कुलभूषण को उन्होंने पहले खत्म कर दिया है और वो बेनकाब नहीं होना चाहते दुनिया के सामने। दूसरा, उसको इतना जबरदस्त टॉर्चर किया है कि वो एक किस्म का वेजिटेबल हो गया है जिसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो आशंका पैदा होती है कि कुलभूषण जिंदा है भी या नहीं,
हो सकता है पहले उसको फांसी दे दी हो या टॉर्चर के दौरान उसकी ऐसी हालत हुई हो कि वो एक नॉर्मल फिजिकल स्टेट में नहीं है और वो उसको दिखाना नहीं चाहते। कुलभूषण केस को लेकर पाकिस्तान में ही उसकी थू थू हो रही है। अगर वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला नहीं मानता तो उस पर बड़ी इंटरनेशनल गाज भी गिर सकती है। काउंसिल एक्सेस ना देना ये कन्वेंशन के खिलाफ है और दुनिया के सामने भारत सबको बताएगा कि काउंसिलर एक्सेस नहीं मिली तो पाकिस्तान के ऊपर कंडेमनेशन आएगी। इन सब बातों के बावजूद भी अगर उन्होंने काउंसिलर एक्सेस या उसकी फैमिली वालों को मिलने की इजाजत नहीं दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो नई टीम के साथ मजबूती से आईसीजे में अपना पक्ष रखेगा, यानी उसे मालूम है कि कुलभूषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उसका केस बेबुनियाद है। 24 घंटे के अंदर उसी देश की सरकार जो है तीन अलग अलग भाषाएं, तीन अलग अलग आवाजें, तीन अलग अलग, जिससे इंडिकेट है साफ तौर पे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका पड़ा है, पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन है। टॉर्चर करना पाकिस्तान की डीएनए में है। उम्मीद है कि मेरी शंका गलत हो और कुलभूषण जाधव की सेहत भी ठीक हो और वो जिंदा भी हो, लेकिन पाकिस्तान का रवैया देखते हुए, उनका इतिहास देखते हुए यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल भारत के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की बदनीयत का मुकाबला तो करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।